हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं हाजिर हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट के जो ट्रिक्स हैं याद करने के लिए, उसके लिए ठीक है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, ये जो ट्रिक है ये 3 शॉर्ट ट्रिक से डिवाइड हुआ है, ठीक। और ये 3 शॉर्ट ट्रिक क्या है? 3 शॉर्ट ट्रिक देखिए, पहला नंबर, एक नंबर ट्रिक जो है ये पार्ट 1 से 11 तक है, 1 से 11 तक है ये पार्ट, ठीक है। तो 1 से 11 नंबर पार्ट के लिए क्या याद करेंगे आप याद करेंगे, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरा मिलिट्री सीओसी स्पेशल रॉकेट। ओके, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरा मिलिट्री सीओसी स्पेशल रॉकेट। आप सीओसी स्पेशल रॉकेट के मदद से, पैरा मिलिट्री सीओसी स्पेशल रॉकेट के मदद से आप यूनाइटेड स्टेट्स से फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, ये इसके लिए एक एक जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री सीओसी स्पेशल रॉकेट, तो ये एक एक टॉप, एक एक पार्ट का देखिए एक एक अलग अलग मीनिंग है, जो मैं एरो करके जो नीचे लिखा हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर देख लेते हैं, यू, यू से क्या है? यू से है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, यू से है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए, इसके जो आर्टिकल है, आर्टिकल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो पहले यहाँ पे एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का जो आर्टिकल है ये है 1 to 4। ओके, कैन से होता है सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप का देखिए, सिटीजनशिप का जो आर्टिकल है ये है 5 से 11। और पार्ट नंबर जो है, पार्ट नंबर तो 1, 2, 3 ऐसा करके होगा, ठीक है। तो कैन जो है ये सिटीजनशिप है और ये 5 से 11 तक है। फ्लाई देखिए, फ्लाई पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। और इसके फ्लाई डिनोट क्या करता है? फंडामेंटल राइट को। ओके, उसके बाद देखिए, डायरेक्टली से आप याद कर सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी को, ये पार्ट नंबर 4 में है। ओके, फ्रॉम से है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब ये पार्ट नंबर है 4A में। देखिए 4, उसके बाद 5 नहीं है, 4 के बाद 4A है, याद करना, ठीक से रट लेना, ठीक है। यूनाइटेड 2-3 बार पढ़ेंगे, ये वीडियो 2-3 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। यूनाइटेड देखिए, यूनाइटेड है 5 नंबर पे और ये डिनोट करता है द यूनियन को, यूनाइटेड से यूनियन बहुत इजी है। स्टेट्स देखिए, ये 6 नंबर पे है, स्टेट्स से डिनोट करता है द गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल। ओके, यूजिंग, यूजिंग 8 नंबर पे है, ये देखिए ये डिनोट क्या करता है? यूनियन टेरिटरी। ओके, और पैरा से क्या होता है? पैरा देखिए 9 पे है, पैरा ये है पंचायत, ठीक है, ये पंचायत। मिलिट्री से है म्यूनिसिपैलिटी। सीओसी देखिए, ये तीनों सीओसी स्पेशल लोकेट, यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने एरो करके नीचे लिख दिया, पर कलरिंग से आप पहचान सकते हैं कौन सा किसका है। तो सीओसी से देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्पेशल से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया है, ठीक है। और रॉकेट रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स है, आर से रॉकेट, आर से रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ओके, ये तो गया पार्ट नंबर 1 का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, देखिए इसका जो पार्ट 1 में जो बताया मैंने, तो इसका आर्टिकल भी थोड़ा कुछ कुछ जो याद करने लायक है या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, उसका आप एक बार देख लेना। देखिए, फंडामेंटल राइट तो आपको याद करना है अलग से, तो आप याद करेंगे ही। देखिए, ये तो 12 से 18 तक है, सिटीजनशिप 5 से 11 तक है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज ए की है, 51A का, तो ये भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसके, और इसके अलावा है पंचायत का है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तीनों का याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पंचायत का जो है, पंचायत का है 243 to 243O, ठीक है, 243 to 243O। ओके, जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका है 243P to 243ZG। ओके, एंड जो सीओसी से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी डिनोट कर रहा है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है 243ZH to 243ZT। ओके, तो ये गया पार्ट नंबर 1, मतलब पार्ट नंबर 1 to 11, ट्रिक नंबर 1 गया। अब देखिए, हम ट्रिक नंबर 2 पे देखें चलेंगे। तो देखिए, ट्रिक नंबर 2 तो बहुत इजी है, ट्रिक नंबर 2 में क्या क्या गया है? फिरोज ट्रेन से इलेक्शन पे गया, तो फिरोज ट्रेन से इलेक्शन पे गया, इसका क्या मतलब है? फिरोज ट्रेन से इलेक्शन पे गया मतलब फिरोज ट्रेन से मतलब ट्रेन में चढ़ के इलेक्शन देने गया, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो देखिए, फिरोज से क्या होता है? फिरोज से फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, ये फिरोज डिनोट करता है। देखिए, ये 12 नंबर पे है,
ठीक है, 13 नंबर पे क्या है, ट्रेन। ट्रेन देखिए, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स ये है ट्रेन से। से है क्या, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। ओके, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। इलेक्शन देखिए, इलेक्शन क्या है, इलेक्शन तो इलेक्शन ही है, इसका कुछ अलग से नहीं है। ट्रिक पे से देखिए, पे से है प्रोविडेंस फॉर सर्टेन क्लासेस। ठीक है, ये हो गया 16 नंबर। तो देखिए इलेक्शन का जो आर्टिकल है ये 324 टू 329 है। ठीक है, और इसके अंदर उसका उतना कुछ याद करने लायक नहीं है। तो देखिए पार्ट नंबर जो है, पार्ट नंबर तो आप देख लेना, 12 13 14 15 16 ये तो एकदम सीरियल वाइज ही है, इसमें कुछ उतना आपको तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए ये जो गया है ना, मतलब इलेक्शन पे गया, तो इलेक्शन पे गया मतलब ये गया तो ये तो अमिट रहेगा, मतलब इसका कुछ काम नहीं होगा, ये सिर्फ आपको मतलब याद रहे इसीलिए है इसके साथ। तो गया का कुछ मतलब मत निकालिए अभी, ठीक है। तो चलिए ट्रिक नंबर थ्री देख लेते हैं। ट्रिक नंबर थ्री में क्या है, ट्रिक नंबर थ्री में देखिए ये 17 नंबर जो है, 17 नंबर देखिए ये एक वर्ड है, ठीक है, ये एक इंग्लिश का वर्ड है जो याद करने में आपको आसानी होगी, जैसे लिमिट्स, ठीक है, LEMATS लिमिट्स है। तो लिमिट्स एल से देखिए लैंग्वेज है। ओके, तो लैंग्वेज का क्या है, 243 टू 251 जो है इसका आर्टिकल नंबर है, और ये 18 नंबर जो है इमरजेंसी प्रोविनेंस है। ओके, एंड एम से है मिसलेनियस है, ए से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, टी से टेम्पररी ऑफ स्पेशल प्रोविनेंस है, और एस से जो है सब टाइटल एंड कमेंसमेंट है। ठीक है, तो ये देखिए पार्ट नंबर 1722 है, 1722 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये तीन, ये तो आपको याद रहेगा, लिमिट्स जो है, ठीक है, ये है फिरोज ट्रेन से इलेक्शन पे गया, गया का कुछ फंक्शन नहीं है बाकी तो आप है, और ये जो है ये इंग्लिश वर्ड है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री COC स्पेशल रॉकेट। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर कोई भी चीज़ की वीडियो अलग सब कुछ चाहिए तो बताइए, मैं आपको दिला दूँगा। ठीक है, चलिए, बाय, थैंक यू।